आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट का एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लिपकार्ट का एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको इस थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो माई एड्रेस दिख रहा है उसके नीचे आपको एक व्यू मोड का ऑप्शन दिख रहा है। आपको अब व्यू मोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्यू मोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो पहले वाला एड्रेस मिलेगा आपको उस एड्रेस के बगल में यहाँ पर आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस डाले हुए थे उस एड्रेस को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपना सबसे पहले पिन कोड को यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पिन कोड यहाँ पर चेंज कर लेना है। जो भी आप डालना चाहते हैं पिन कोड अपना, यहाँ पर आपको पिन कोड डाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपना पिन कोड चेंज कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी आप एरिया या कॉलोनी को चेंज करना चाहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं या कॉलोनी में रहते हैं या आप जिस भी रोड में रहते हैं उस रोड का यहाँ पर आपको नेम लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना जो भी एरिया में है उस एरिया का यहाँ पर हम अपना एरिया अपना टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपना एरिया टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना एरिया टाइप करते वक्त यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एरिया टाइप करते वक्त एरिया में कोई भी गलती नहीं करना है। यहाँ पर आपको एरिया टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिटी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक भरा हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं सिटी को तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लैंडमार्क भरना चाहते हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी चीज़ इसमें आप चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर होम आपका एड्रेस है तो होम एड्रेस पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका वर्क या ऑफिस एड्रेस है तो उस पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मेरा होम एड्रेस तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको नीचे में एक सेव का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपना एड्रेस सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे अपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वहाँ पर फाइनली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने फ्लिपकार्ट का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।